Hello friends, welcome to the Fun Book. In this video, we are going to discuss short summary of literature chapter 2, A Dog Named Duke in Hindi. So friends, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारे चैनल का दूसरा अपडेट मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला चार्ल्स हूपर, जिसके दोस्त उसे चक हूपर भी बुलाते हैं, वो एक केमिकल कंपनी का सेल्स मैनेजर है। और दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मर्सी, जो कि चार्ल्स हूपर की वाइफ रहती है। उसको पोमेरियन डॉग ज़्यादा पसंद होते हैं, पर चार्ल्स हूपर डॉबरमैन पिंचर खरीद कर घर लाता है। तो चलिए समरी शुरू करते हैं। चक हूपर ने अपनी पत्नी मर्सी को मनाकर डॉबरमैन नस्ल के ड्यूक को खरीदा। ड्यूक का वजन 23 किलो था। वह एक लाल कोट और बादामी बनियान पहने हुए था। हूपर उसकी शक्ति और तेजी से बहुत प्रभावित हुए थे। हूपर स्वयं एक सुडौल व्यक्ति थे और एक केमिकल कंपनी में जोनल सेल्स मैनेजर थे। परंतु अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और एक दिन दुर्भाग्यवश हूपर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हूपर को एक अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी बाईं ओर की दिमागी चोट ने उनके पूरे शरीर को लकवा मार दिया था। हूपर एक महीने तक गंभीर स्थिति में रहे। व्यायाम, अनेक प्रकार के स्नान, व्हील वॉकर, किसी से भी उन्हें फायदा नहीं हुआ। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह घर में उदास और निराशाजनक स्थिति में रहने लगे। क्योंकि वह अकेले थे और उनकी पत्नी मार्सी काम करने जाती थी। जब ड्यूक ने दुर्घटना के बाद पहली बार उन्हें देखा तो वह चिल्लाया और खुशी से दौड़कर उनकी बेल्ट के ऊपर चढ़ धक्का दिया। हूपर को अपना संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पर शायद ड्यूक को यह अभ्यास हो गया कि उसके मालिक को उसकी सहायता की आवश्यकता है और उसने उस दिन से हूपर का साथ नहीं छोड़ा। परंतु हूपर ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और वह पहले की तरह कठोर और उदास बना रहा। एक दिन ड्यूक से हूपर का यह व्यवहार सहन नहीं हुआ और वह हूपर पर लपका, उसे धक्का दिया। हूपर ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी बाएं हाथों से ड्यूक के कॉलर को पकड़ा और अपनी पत्नी मार्सी से सहायता मांगी। खड़े होने के लिए ड्यूक ने नाचना शुरू किया और हूपर ने अपना बायां पैर सीधा करके आगे बढ़ाया। वह उसकी बीमारी के बाद पहला कदम था। हूपर बिल्कुल थक गया था, परंतु एक शुरुआत हो गई थी। दूसरे दिन ड्यूक ने अपनी रस्सी खींची और हूपर को घसीटा। हूपर 4 कदम चला। 2 सप्ताह में दोनों बाहर आंगन में पहुंच गए। 1 महीने बाद वह सड़क पर चलने लगे। हूपर की प्रगति को देखकर डॉक्टर ने नए शारीरिक व्यायाम कराने शुरू कर दिए। शीघ्र ही हूपर ड्यूक के साथ बिना रुके बिना थके चलने लगा। 4 जनवरी को हूपर बिना ड्यूक के अपने जिला दफ्तर में पहुंच गया। पर अभी भी हूपर पूरे दिन काम करने के योग्य नहीं था। उसने फिर से ड्यूक की सहायता ली, जो उसे सड़क पर रोज तेजी से ले जाने लगा। हूपर की सहन शक्ति और दृढ़ता बढ़ती गई और अगले साल उसकी तरक्की हो गई और उसे रीजनल मैनेजर बना दिया गया। हूपर, मार्सी और ड्यूक अब एक नए स्थान पर रहने लगे। पर ऐसा हमेशा नहीं रहना था। 12 अक्टूबर 1957 को ड्यूक एक कार से कुचला गया और पास ही के अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। अब हूपर रोड पर अकेला चलने लगा। जिन लोगों ने उसे ड्यूक के साथ चलते देखा था, उन्होंने उससे पूरी सहानुभूति जताई। कुछ सप्ताह बाद हूपर की कंपनी ने उसे प्रमोशन देकर सहायक नेशनल विक्रेता प्रबंधक, यानी कि असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर बना दिया। इस पदोन्नति को हूपर ने ड्यूक के लिए श्रद्धांजलि के स्वरूप अपने लक्ष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर चलने का नाम दिया। सो दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर द डॉग नेम ड्यूक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारा दूसरा अपडेट भी ना मिस करें।